All of you, my name is Devuram और मैं आज आपको यहाँ जो संस्कृत ग्रामर है वो शुरू कर रहा हूँ। और इस महामारी के दौर में आप भी अपने घर बैठे इस ऑनलाइन क्लास का पूरा फायदा उठाइएगा। तो यहाँ मैं संस्कृत जो ग्रामर है वो शुरू कर रहा हूँ और आप पहले ध्यान से सुने समझे और लिखने के लिए मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा। तो इसलिए पहले अपना ध्यान या बोर्ड पर होना चाहिए सभी का ध्यान। तो यहाँ देखो मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ आप यहाँ जो व्याकरण है ग्रामर ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो जो व्याकरण है देखिएगा व्याकरण और इसको संस्कृत में बोलते हैं व्याकरणम। देखो ये व्याकरण कैसे बनाया है उत्पत्ति कैसे हुई व्याकरण। तो इसमें देखो यहाँ पर मैंने पहले से पढ़ाई करती है बच्चों को तो सुनो ये व्याकरण शब्द है वी यहाँ पर वी एक उपसर्ग है वी प्लस प्लस आ उपसर्ग है और इसमें एक क्री धातु है वी आ प्लस क्री और इसके अंदर एक प्रत्यय भी है जिसका नाम है युक्त प्रत्यय। संस्कृत में इसका नाम है युक्त प्रत्यय। देखो इसमें क्या होता है यहाँ वी और आ ये दो तो हो गए उपसर्ग और यहाँ पर एक क्री धातु है और अंत में प्रत्यय जुड़ा हुआ है युक्त। इस प्रत्यय में क्या होता है यंत वाले टे और इस ले दोनों का लोप हो जाता है यंत और ले दोनों का लोप होकर यहाँ पर केवल जो शेष रहता है यू यू शेष रहता है और इस यू का अनम बन जाता है यू का अनम बन जाता है। तो देखो ये कैसे बन रहा है तो वी आ क्री युक्त यहाँ वी और आ दोनों के बीच में जो यंग संधि है वी और आ के बीच में यंग संधि होकर ये बन जाएगा व्या। वी और आ के बीच में यंग संधि होकर व्या बन जाएगा और क्री जो क्री धातु है तो यहाँ पर री के में जो री की मात्रा आ रही है री का अर आदेश हो जाता है। संस्कृत में जो री है री का अर बन जाएगा इस प्रकार तो यहाँ क्री का हो जाएगा कर री का अर बन जाएगा व्याकरण। पर देखो यू का जो अनम बन रहा है वो इस प्रकार हो जाएगा व्याकरण। अब ये दुनिया में संस्कृत में यदि किसी भी नाम में रे री और से आ जाए किसी भी नाम के अंदर यदि र री ऐसे आ जाए रे री से आ जाए तो ये रे यदि किसी भी नाम में रे री और से आ जाए तो जो या यदि कोई भी आप जोड़ रहे हैं संधि कर रहे हैं समास आदि में तो जो यदि अंत में यदि रे आ रहा है तो इस रे का हणे बन जाता है रे का हणे बन जाता है। क्यों बन रहा है क्योंकि ये नाम में रे री से आने के कारण से यहाँ पर रे का हणे बन जाएगा तो ये नाम हो जाएगा व्याकरणम। वी आपके युक्त की ओर से बना है व्याकरणम। अब देखो व्याकरण की जो डेफिनेशन है वो क्या है देखिए पहले संस्कृत में समझिए पहले लिखना नहीं है ध्यान से सुने और समझे मैं लिखने के लिए अलग से आपको टाइम दे दूंगा। देखो व्याकरण कैसे बना है संस्कृत में इसकी एक परिभाषा है व्याक्रियंते लिखिए व्याक्रियंते शब्दा व्याक्रियंते शब्दा व्याक्रियंते शब्दा अनेनेति व्याकरणम् अनेनेति व्याकरणम् देखिए यह संस्कृत में इसकी डेफिनेशन है व्याक्रियंते शब्दा अनेनेति व्याकरणम् व्याक्रियंते शब्दा अनेनेति व्याकरणम् इसका जो अर्थ होता है व्याकरण किसे कहेंगे देखो ऐसी रचना जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना जिसके माध्यम से हमें शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना और कोई भी शब्द है उसकी उत्पत्ति का हमें ज्ञान हो ऐसी रचना जिसके माध्यम से शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना और किसी भी शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में हमें ज्ञान उसे हम व्याकरण कहेंगे। कोई भी शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे उसके बारे में हमें ज्ञान होना और साथ ही शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना ये सब हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। तो व्याकरण की तो परिभाषा हो गई ऐसी रचना जिसके माध्यम से हमें शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना और शब्दों की शब्द आगे व्याकरण मतलब शब्दों की उत्पत्ति का हमें ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखिए आपके सामने ये तो एक सामान्य परिभाषा व्याकरण की। अब देखो प्राचीन काल में क्या होता था प्राचीन काल में जो
पिता होते हैं वो अपने पुत्र को क्या कहते हैं, प्राचीन काल में पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र तुम कुछ भी मत पढ़, लेकिन कम से कम क्या पढ़, ग्रामर पढ़, व्याकरण पढ़। अब वो ग्रामर क्यों पढ़ाते थे, क्यों क्यों कहते थे, क्योंकि देखिए ग्रामर तो इसलिए पढ़े क्योंकि तुम स्वजन स्वजन को स्वजन ना बोले, स्वजन को स्वजन ना बोले। देखो प्राचीन काल में जो पिताजी होते थे वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम कुछ भी मत पढ़, लेकिन कम से कम व्याकरण है वो पढ़, ताकि तुम स्वजन को स्वजन ना बोले, स्वजन को स्वजन ना बोले। देखो ये दोनों नाम अलग अलग है, ये हो गया स्वजन और ये हो गया स्वजन, क्यों ये दोनों का अर्थ अलग है। देखो स्वजन इन अपने लोग, स्वयं खुद जन लोग अपने लोग परिवार के लोग, तो स्वजन इन अपने या परिवार के लोग होते स्वजन अपने परिवार या अपने। और यहाँ पर देखिए स्वजन का होता है कुत्ता, स्वजन का होता है कुत्ता। इस कारण से जो प्राचीन काल में पिताजी होते हैं वो अपने बच्चों को कहते थे इसलिए तुम स्वजन को स्वजन ना बोले, इस कारण से तुम ग्रामर का अध्ययन किया। अब ये तो सामान्य ग्रामर की परिभाषा हो गई, तो एक बार इनको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए अब आगे हम जो स्वर है इनका वर्गीकरण कर रहे थे, वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो जो स्वर है वो क्या होते हैं, स्वर की स्वर क्या होते हैं, देखो स्वर क्या होता है, वेद ध्वनियां या अष्ट है स्वर या अक्षर को स्वर भी बोलते हैं और संस्कृत में इसको अक्ष बोलते हैं। तो देखो स्वर क्या होते हैं, वेद ध्वनियां वह वेद ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर स्वर कहते हैं। ये होती स्वर की जो परिभाषा इस प्रकार है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो उसे स्वर कहते हैं। अब देखिए संस्कृत जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में जो स्वर है उनकी संख्या 13 होते हैं, 13 स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में, 13 स्वर होते हैं। वो कौन कौन से देखिएगा आगे, ये जो स्वर है जैसे अ आ ई ई अ आ ई ई उ उ और इसके अलावा देखो ये ए आ ई ई उ उ और इनके अलावा देखो संस्कृत में ये दो री भी होते हैं, ये छोटा वाला री और ये एक बड़ा री भी होता है, जो इसका ज्यादातर प्रयोग है वैदिक संस्कृत में होता है। और एक जो स्वर और माना जाता है संस्कृत में वो है द्री, द्री स्वर, इसे भी स्वर मानते हैं कि हो गए। और इनके अलावा ये हिंदी वाले भी है जैसे ए ओ ए ओ आई औ, ये है स्वर। जो संस्कृत ग्रामर है उसमें जो स्वरों की संख्या है
होते रहते हैं वो इस प्रकार है। देखिए अब इनका क्रम भी ध्यान रखना आपको, संस्कृत में हिंदी में ये इस प्रकार करते हैं ए आई ओ औ, और इनका संस्कृत में जो क्रम होता है वो ए ओ आई औ, इस प्रकार संस्कृत में। अब देखिए ये जो 13 स्वर है इनको पुनः तीन भागों में बांटा गया है, 13 स्वरों को तीन भागों में या तीन प्रकार में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से, फर्स्ट पर आपके ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर देखो फर्स्ट पर है ह्रस्व स्वर, सेकंड है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और थर्ड पर है आपके गुरु स्वर। पहले एक की परिभाषा सुन लो, जब ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर और बड़ स्वर, देखो ह्रस्व स्वर वो होते हैं वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। देखो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जितने भी ये छोटे वाले देखिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आएंगे, जिनकी मात्रा में जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, जैसे ये ए हो गया, ये छोटा वाला ई है, और ये छोटा वाला ऊ है ये, और इनके अलावा ये री बीच में आता है, और ये एक आगे यहाँ पर री। तो देखो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, और फिर देखिए दीर्घ स्वर। देखो ह्रस्व स्वर है ना इनकी संख्या ये पांच होती है, छोटे वाले जो छोटी मात्रा वाले स्वर है ये जैसे अ है ई ऊ री और द्री। फिर देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखो इनमें से जो बाकी बच गए वो सारे दीर्घ स्वर है, यहाँ देखिए आ है, ई है, ये ऊ है, और ये री है, फिर ए ओ आई और औ, इनकी संख्या हो गई आठ। देखिए ये पांच तो आ गए आपके ह्रस्व स्वर में, और फिर ये जो बाकी बच रहे हैं वो आ गए आपके दीर्घ स्वर, इनकी संख्या आठ होती है। फिर देखो एक संस्कृत में और हिंदी में दो ही प्रकार होते हैं और संस्कृत में थर्ड और है। देखो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है जिससे हम ओम बोलते हैं, ओम के उच्चारण में ये लंबा समय लगता है इस कारण से इसे प्लस स्वर कहते हैं। देखो तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उसे प्लस स्वर कहते हैं। अब ये भी मान लीजिए जो भी दीर्घ आ रहे हैं दीर्घ स्वर है ये सारे जैसे आ है, फिर ये ई है और ऊ है, इन प्रकार। अब देखिए उसको कैसे करना है, हम देखो ओम लिखते हैं जैसे ये लिख दिया ओ, इसमें है क्या, ये ओ है और ये हिंदी वाले तीन है और फिर ये इस प्रकार। तो इनको दिखाने के लिए जो प्लस स्वर है इनको दर्शाने के लिए दिखाने के लिए हम हिंदी वाले तीन का प्रयोग करते हैं, हिंदी वाले तीन का प्रयोग करते हैं, और जो संपूर्ण तेजा गायन है वो प्लस स्वरों में है। फिर देखो ये हो गए प्लस स्वर और इनको दिखाने के लिए हिंदी वाले तीन का प्रयोग किया जाता है, और इनकी संख्या भी ये तीर के सारे ये सारे इनको लगा दो, आप चाहे तीन इस प्रकार लगा दो ये बलुत बन जाएंगे, हिंदी वाले तीन का प्रयोग होते ही है बलुत बन जाएगा और इसको लंबा बोलना पड़ता है। फिर देखो अब ह्रस्व स्वर है, अब एक बार वापस देखो तीनों, देखो ह्रस्व स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, और वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर, और थर्ड है आपके प्लस स्वर, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उसे प्लस स्वर कहते हैं। अब देखो उनके उनको और भी नाम है, जैसे इनमें एक मात्रा का समय लगने के कारण जो ह्रस्व स्वर है इनमें एक मात्रा का समय लगने के कारण उसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रा का समय लगने के कारण इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ये देखो दीर्घ स्वर है इसमें दो मात्राओं का समय लगता है इस कारण से इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, दो मात्रा का समय लगने के कारण से इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और थर्ड देखो ये प्लस स्वर इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। फिर देखो ह्रस्व स्वर, सबसे पहले जो इनमें स्वरों की रचना हुई है इसमें ये जो छोटे वाले जितने भी ह्रस्व स्वर है इनकी सबसे पहले रचना हुई है, जैसे पहले ए बना है, आ से पहले ए बना है, फिर ये इनसे पहले ई छोटा वाला बनाया, तो इस कारण से इनकी रचना पहले होने के कारण जो ह्रस्व स्वर है इनको मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर है इनको मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखो ह्रस्व स्वर की एक बार परिभाषा लिख दीजिए आप, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का
एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पांच होती है। इनकी संख्या पांच होती है। इनकी संख्या पांच होती है। वो कौन कौन से? देखो छोटी मात्रा वाले सारे, जैसे एफ है, अ, ई, उ, री, और ये आगे आपके त्रि। और हिंदी में ये चार ही होते हैं, संस्कृत में इनकी संख्या पांच होती है। अब देखो इनसे इनकी रचना पहले होने का इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी रचना सर्वप्रथम या पहले होने का से इनको मूल स्वर भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप इनकी रचना, इन स्वरों की रचना पहले होने के कारण इन स्वरों की रचना पहले होने के कारण इनको मूल स्वर भी कहते हैं। एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं। देखो इनकी उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। और एक मात्रा का समय लगने के कारण इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो एक परिभाषा और लिख सकते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगने के कारण इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक बार इनको आप लिख लीजिए। अब देखिए आगे जो स्वर है सेकंड नंबर का, उसका नाम है दीर्घ स्वर। अगर सुर स्वर है दीर्घ स्वर, परिभाषा आपको मैंने बताई है और सुन लो। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या आठ होती है। तो परिभाषा देखो, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है
तो होमवर्क का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। आगे लिख सकते हैं आप इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन से वो देखो, जैसे आ है, ये बड़ा वाला ई है और ये बड़ा वाला ऊ है और संस्कृत में री भी है, ये बड़ा वाला री है और फिर ये ए है, ओ ए ओ आई और औ, ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। संस्कृत में ये जो स्वर है ये दीर्घ स्वर है। अब देखो, अब इन एक परिभाषा और भी है, तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में, ये तो हुई सामान्य परिभाषा, एक परिभाषा यदि आप इस प्रकार कह सकते हैं, देखो वे ध्वनियां या दो मात्राओं का समय लगने के कारण से द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दो मात्राओं का समय लगने के कारण से द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो लिख सकते हो, देखो दो मात्राओं का समय लगने के कारण से द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब जो ये दीर्घ स्वर है इनको पुनः दो भागों में बांटा गया, देखो ये तो हो गए, इसमें आ है, ई है, ऊ और री, ये तो इनमें जो चार है ये समान स्वर है या समान अक्षर कह सकते हैं। देखो इनको भी पुनः दो उपभागों में, इन्हें उन्हें दो उपभागों में बांटा गया, उन्हें दो उपभागों में बांटा गया है। देखो वो कौन कौन से, देखो फर्स्ट में आपके आगे समान अक्षर या संधि होगी समान प्लस अक्षर, तो ये ए और ए दोनों में आ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा समान अक्षर। अब देखो समान अक्षर में कौन कौन से आते हैं, तो ये चार आते हैं। देखो कैसे समान अक्षर में कैसे, ये देखिए अ प्लस अ बराबर आ बन जाएगा और ई प्लस ई ये बन जाएगा बड़ा ई, और इसी प्रकार देखिए ऊ प्लस ऊ ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ, और इसी प्रकार देखो री का भी उदाहरण है री प्लस री दोनों छोटे री जैसे मिलेंगे तो ये बड़ी री बन जाएगी। तो ये हो गए, ये इनको समान अक्षर कहते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों समान है, यहाँ पर दोनों समान है इस कारण से इनको समान अक्षर कहते हैं। और एक इसी में इनको जो सेकंड पार्ट है इसका, उसे बोलते हैं संधि अक्षर, संधि प्लस अक्षर यहाँ पर भी यह संधि होकर यह नाम बना है संधि अक्षर बना है यह संधि होकर। फिर देखो इनमें भी ये चार आ गए ए ओ आई ओ। देखो जो ये ए है ये कैसे बनता है, देखो यहाँ हमारे सामने अ प्लस ई, ये संधि अक्षर इस कारण से कहते हैं क्योंकि यहाँ दीर्घ संधि है, अ प्लस ई ये दोनों मिलेंगे तो ऐसे ये ए बन जाएगा। जैसे एक नाम है रमा प्लस ई, ये संधि का से बना रमेश, ए बन जाएगा। और फिर देखो यहाँ ओ है तो ये अ प्लस
ये भी देखो संज्ञक सर है परपरस, ये सॉरी यहां पर देखो वो है परपरस वो, तो ये दोनों अ उ मिलेंगे ओ बन जाएगा। तो ये जैसे पर प्लस उपकार परोपकार बनता है, पर प्लस उपकार परोपकार इस कारण से संधि अक्षर कहते हैं। ओ देखिए यहां पर अ प्लस अ प्लस ए ये दोनों मिलेंगे तो ये आई बन जाएगा, आई बोलते हैं इसको आई, अ प्लस ए बराबर आई। इसके भी संधि में उदाहरण है, ये वर्धि संधि में लोक प्लस एसना लोकेशना बनता है दो मात्रा वाला। फिर देखिए ये अ प्लस ओ मिलेंगे, अ प्लस ओ अ प्लस ओ यहाँ पर भी वृद्धि संधि होगी और ये औ बन जाएगा औ। जैसे ज्ञान ज्ञान प्लस औषधि ज्ञानौषधि बनता है, ज्ञान प्लस औषधि ज्ञानौषधि बन जाएगी। इस प्रकार इस कार्यचित को संधि अक्षर कहते हैं। अब देखिए थर्ड आपके यहाँ थर्ड नंबर का जो है स्वर उसका नाम है पलु स्वर, पलुत स्वर, पलुत स्वर। तो इसकी जो परिभाषा पलु स्वर क्या होता है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उसे पलु स्वर कहते हैं। तो देखिए वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं, उसे पलुत स्वर, पलुत स्वर। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उसे पलुत स्वर कहते हैं। और इसमें एक वर्ड लिखिएगा, इन स्वरों को दर्शाने के लिए इन स्वरों को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए हिंदी के तीन का प्रयोग किया जाता है, हिंदी के तीन का प्रयोग देखो जो पुलुस स्वर है इनको दिखाने के लिए हिंदी का जो तीन है वो यूज करते हैं, हिंदी वाला तीन इसका प्रयोग किया जाता है। और इनकी संख्या भी आठ होती है, तो इनकी संख्या आठ होती है, इनकी संख्या आठ होती है। इनकी संख्या आठ होती है, तो कौन कौन सी देखो जो वितरिक स्वर में आ रहे हैं वो सारे आपके पुलुस स्वर में भी आएंगे। जैसे तो ध्यान रखना है इसके साथ हमें ये हिंदी वाले तीन का प्रयोग करना है। तो देखो आ है और इसमें से फिर देखो ई है और इसके साथ ये हिंदी वाले तीन का प्रयोग हो, तो फिर ये उ है और इसके साथ भी ये हिंदी वाले तीन, इसी प्रकार ये बड़ा वाला ई है इसके साथ हिंदी वाले तीन का प्रयोग कर दीजिए तो ये पुलुत बन जाएगा। इसी प्रकार आगे जो ये चार लक्षण है अ है फिर ये ओ ए ओ और इन सब के साथ हिंदी वाले तीन का प्रयोग कर दो तो ये पलुत बन जाएगा। ये हो गए, तो एक बार इनको आप लिख लीजिए। अब देखिए आगे स्वर के बाद में आगे पढ़ते हैं व्यंजन। सेकंड जो प्रकार है इसका वर्णों का जो सेकंड प्रकार है व्यंजन, और व्यंजन को संस्कृत में बोलते हैं हल, हल या व्यंजन। हल या व्यंजन
जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 33 होती है, व्यंजन है इनकी संख्या 33 होती है। और जो परिभाषा देखो, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली जो ध्वनियां हैं वो व्यंजन या हल कहलाते हैं। और ये इनकी संख्या 33 होती है, जो व्यंजन है इनकी संख्या 33 होती है। 33 व्यंजनों को तीन भागों में या तीन प्रकार बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया, जिसे फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकंड है अंतरिस्थ व्यंजन, और थर्ड है आपके उष्म व्यंजन। देखो पहले स्पर्श व्यंजन सुन लो। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? देखो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख से बाहर निकलते समय कहीं ना कहीं स्पर्श होके फिर मुख से बाहर निकलती है। वे ध्वनि या हमारे श्वास वायु है वो मुख में स्पर्श होके फिर बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतरिस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनका वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख भाग में कंपन पैदा होता है, उसे अंतरिस्थ व्यंजन कहते हैं। और थर्ड वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो हल्की सी गर्म हो जाती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जो स्पर्श व्यंजन है इनके वापस जो 33 व्यंजन है वो तीन भागों में बांटे गए हैं। फिर स्पर्श व्यंजन इसमें क से लेकर मे तक आ जाते हैं, के से लेकर मे तक, और अंतरिस्थ व्यंजन जिनमें कंपन पैदा होता है उनकी संख्या होती है फिर चार, इनकी संख्या चार होती है। ये जैसे य व और र और ल, य व र ल, और उष्म व्यंजन इनकी संख्या भी चार होती है, जैसे स य श स और ह, इनकी संख्या भी चार होती है। तो एक बार परिभाषा लेंगे, देखो व्यंजन की परिभाषा, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 33 या 33 बोलते हैं, 33 होती है 33 व्यंजन। संस्कृत व्याकरण में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और इन 33 व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। जो 33 व्यंजन है इनको तीन भागों में बांटा गया, तो उसमें फर्स्ट है आपके स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन देखो इसकी जो परिभाषा स्पर्श व्यंजन, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय 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 श्वास वायु जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख भाग में स्पर्श होके फिर बाहर निकलती है, मुख भाग में स्पर्श होकर फिर बाहर निकलती है, श्वास वायु स्पर्श होकर फिर बाहर निकलती है। स्पर्श होकर फिर बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, वे ध्वनियां जब हम उच्चारण करते हैं तो ये जो वर्ण है ना ये मुख भाग में कहीं ना कहीं टकरा कर, जैसे कोई कंठ से बोला जाएगा और कोई होठों से, कोई नासिका से, तो इन सब मुख भाग में कहीं ना कहीं टकरा के फिर बाहर निकलती है। अब देखिए आप जैसे पेवर्ग है, ये सारे होठों से बोले जाते हैं, पा, तो इसका मतलब ये होठों को टच कर रहे हैं वो वर्ण, और कुछ है जैसे दंत या त वर्ग की जो लाइन है, त, ये सारे दांत से बोले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं स्पर्श होकर फिर ये बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए जो स्पर्श व्यंजन है इनको पुनः पांच वर्गों में, अब स्पर्श व्यंजन है पांच वर्गों में बांटा गया है, इनकी संख्या 25 होती है, तो ये लाइन और इक्कीस में इनकी संख्या 25 होती है, इनकी संख्या 25 होती है, इनकी संख्या 25 होती है कैसे लेकर मे तक। फिर इनको पांच वर्गों में विभाजित किया गया, पांच वर्गों में विभाजित किया गया। देखो पांच वर्गों में कैसे, जैसे यह कवरंग, देखो कवरंग है, इस कवरंग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे यह क से लेकर आप सारे लिख दो, ख ग ग और ये हड़ है बोलते हैं, तो ये हो गए कवरंग। अब इसका नाम कवरंग क्यों है, क्योंकि ये कैसे शुरू हो रहा है, कवरंग इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि ये जो लाइन है ये कैसे शुरू हो रही है, इसका इसका नाम केवरंग हो गया। फिर यह चवरंग क्योंकि चे से शुरू हो रही है तो इसने आप लिख लेना सारे चे वाले, चे से लिख लिया तक आगे तक। और फिर देखो थर्ड है आपके टवरंग, टे से शुरू होने का इसका नाम टवरंग हो गया, और टवरंग में टे से लेकर छे तक ये सारे लिखना है। फिर ये पावरंग, पावरंग में कौन कौन से पावरंग, इसमें प ख ब भ म हो गए, तो ये सारे लिखना प से लेकर म तक। और फिर एक तेवर में लेकर तेवर क्या लिख लीजिए, तवर, इस तवर में क्या आते हैं थ थ द थ न, ते से लेकर मे तक ये सारे लिखने इसमें, तो इनकी संख्या हो गई देखो के से लेकर मे तक और पांच वर्गों में है तो इनकी संख्या हो गई 25। फिर देखो आगे सेकेंड आपके हैं, आपके ये फर्स्ट प्रकार है स्पर्श, सेकेंड प्रकार हो गया आपके अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन
देखो अंतरिक्ष व्यंजन वो होते हैं वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो मुख भाग है उसमें कंपन पैदा होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख भाग में कंपन होता है उसे अंतरिक्ष व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या चार होती है। देखो आप य को बोल के देखो य वार है, इनमें क्या होता है कंपन होता है, इस कारण से इनको अंतरिक्ष व्यंजन अंतरिक्ष व्यंजन कहते हैं। देखिए वे ध्वनियां या वे वर्ण भी लिख सकते हैं, वह वर्ण जिनका उच्चारण करते हैं जिनका वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख भाग में वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख भाग में कंपन पैदा होता है, मुख भाग में कंपन भाग में कंपन होता है, भाग में कंपन होता है उसे आपके अंतेष्ट व्यंजन कहते हैं, उसे अंतेष्ट व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या होती है चार, तो वो भी लिखो, इनकी संख्या चार होती है तो लिख देना आप ये चार कौन कौन से, देखो य व र और ल, तो ये इसका संस्कृत में इसका क्रम है, हिंदी में ये ल है और इसमें संस्कृत में य व र और ल। फिर देखो थर्ड वाला प्रकार इसका ऊष्म व्यंजन। देखो ऊष्म व्यंजन क्या होता है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है। देखो आप से 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 ये बोलोगे तो ये जो श्वास वायु है वो हल्की सी गर्म हो जाती है, इस कारण से इसको नाम भी ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, इस कारण से इसका नाम भी ऊष्म पड़ा है, ऊष्म व्यंजन। तो लिखो इसमें वे ध्वनियां वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है, हल्की सी गर्म हो जाती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी चार होती है, तो लिख सकते हैं इनकी संख्या चार होती है, कौन कौन से देखिए, श स श स से और यह, ये हो गए इनकी संख्या चार होती है, श स से और है। तो इसको एक बार आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, Mm-hmm.